हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया है, मस्त हो, हेल्दी हो, लाइफ में खुश हो। चलो इसी खुशी के साथ शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग डे रहा, अनएक्सपेक्टेड सा डे रहा, जहाँ की चांसेस लग रहे थे कि मार्केट थोड़ा डाउन जाएगा, आज मार्केट ने एक अपसाइड, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाई। चलो देखते हैं आज हुआ क्या। तो मार्केट में आज हुआ यूँ, निफ्टी से हम चेक करते हैं कि देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने से ही, खुलते ही निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया। थोड़ा ऊपर गया, खड़े थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ा सस्टेन किया, अपसाइड जाने की कोशिश की, यहाँ से रिजेक्शन आया क्योंकि 16,400 पे काफ़ी पुट कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था डेटा, तो उन्होंने सेलिंग की कोशिश की होगी, ठीक है, उसकी वजह से फिर करेक्शन थोड़ा सा हुआ। एंड देन इन द एंड देखोगे तो 16,500 के अराउंड, जो कि एक बहुत अच्छी क्लोजिंग मैं मानता हूँ फिलहाल के लिए हमें देखने को मिली है। तो जो ये गैप था, ये गैप अभी कल को फिल होने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है। तो कल को ये 560 तक का, यानी 16,560 तक का जो एक गैप है वो फिल होने के चांसेस मुझे काफ़ी लग रहे हैं। तो ये फिल होने के बाद मे बी एक करेक्शन आ जाए या फिर गैप अप ओपनिंग हो जाए कल को, वी डोंट नो, बट एक जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो एक हल्का सा करेक्शन होने के बाद ही अपसाइड जाएगा, तो इसलिए कल को जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कल को, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया कि यहाँ से शार्प एक बार हम रैली देख चुके हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि बस यहाँ से उठा और सीधा ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, एक करेक्शन हमें छोटा सा देखने को मिलेगा, उसी में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढेंगे। चलो एक बार डेटा के अकॉर्डिंग भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन चेन मैंने खोल दी है एनएससी की साइट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं निफ्टी का डेटा सिलेक्ट करूँगा क्योंकि आज 9 जून की एक्सपायरी डे था, तो आज का तो दिन चला गया। अब 16 जून का हम जो है यहाँ पे डेटा लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की साइड में देखते हैं कहाँ पे क्या ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी हैं। सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग अभी है 16,300 पे, 16,300 पे, बिल्कुल रिसेंट में बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे अराउंड 47,000 ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज बिल्ट अप टुडे ओनली, क्योंकि ये 16 तारीख का डेटा है, ध्यान रखना, ये यानी आने वाली एक्सपायरी का डेटा है, तो जिसमें आज ही एड ऑन हुआ है लगभग 30,000 के अराउंड ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। और फिर 16,200 पे भी देखोगे अराउंड 60,000 ओपन इंटरेस्ट इज देयर, इन विच 44,000 ओपन इंटरेस्ट एडिड टूडे ओनली, दैट इज ग्रेट डेटा। तो यानी अप डाउन साइड में हमें अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है डेटा की हेल्प से, ओके। यहाँ पे फिर 16,400 पे भी एक अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक्ट करेंगे सपोर्ट की तरह, तो यानी 16,200 तक एक अच्छी सपोर्ट हमें मिल रही है, जो इतनी आसानी से ब्रेक होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो एक बार ऊपर की साइड में देख लेते हैं। वहीं हम अगर ऊपर की साइड में देखते हैं तो एक सीधा रेजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे 17,000 पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा, ध्यान रखना, सीधा 17,000 पे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसमें अराउंड 21,000 ओपन इंटरेस्ट एडिड टुडे ओनली, ठीक है। उसके बाद हर 100 पॉइंट पे है, हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 16,600 पे, 16,700 पे, 16,800 पे। तो 800 पे थोड़ा सा मुझे यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, क्योंकि 800 का वही लेवल है जो काफ़ी टाइम तक जो है सस्टेन रहा था, यानी रेजिस्टेंस की तरह स्ट्रॉन्गली एक्ट किया था, ठीक है। तो अपर साइड में भी हमें ओपन इंटरेस्ट डेटा बिल्टअप दिख रहा है, डाउन साइड में हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, ठीक है। तो कल को मार्केट रेंज बाउंड रहेगी 200-300 पॉइंट के अंदर। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो चांसेस हैं कि वहाँ से करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये एक पुल बैक हो सकता है। तो कल को ही, क्योंकि एज सच इतनी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर नहीं है कि 200-300 पॉइंट एकदम भाग जाए, तो फिर भी गैप अप ओपनिंग होती है तो 16,800 एक मेन रेजिस्टेंस अगर वहाँ पे आता है तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढेंगे। और अगर
फ्लैट खुलता है थोड़ा सा डाउन जाने के पास ही 16400 पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये लेवल्स आई होप आपको क्लियर हो गए। तो चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है, पहले मैं एक बार वन डे पे दिखाता हूँ। वन डे पे देखोगे, अगर हम वन डे पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि एक लेवल है जो कई बार टेस्ट हुआ, फिर यहाँ गेन टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे 3-4 बार टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक्ट किया किसकी तरह, सपोर्ट की तरह। ठीक है, और फिर अगेन आज फिर किसकी तरह एक्ट किया है, सपोर्ट की तरह। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब कि ये जो लेवल है इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डाउन साइड में बैंक निफ्टी अभी नहीं जाने वाला, यानी जो 3400 का एक सपोर्ट जोन है वहाँ से बैंक निफ्टी अभी डाउन नहीं जा रहा। वहीं अपसाइड में मेन रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अगर याद होगा 36,000 से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमने देखने को मिली थी, 36,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली थी। तो अपसाइड में अभी हमारे लिए 36,000 देखने वाला लेवल होगा और डाउन साइड में 34,800। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकती है। चलो एक बार मैं आर्ली चार्ट की ओर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे चार्ट लग रहा है इसलिए मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। तो एक ट्रेंड लाइन है जिसको बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, तो अगर ये सीधा ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली हम बाय नहीं करेंगे, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। रीजन इज दिस कैन बी अ फेक ब्रेकआउट। ओके, तो यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मान लो कल को गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लो ऑलमोस्ट यहाँ होती है, तो अगर ये एक बार टच करके फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके इस लेवल को ब्रेक करता है, देन डेफिनेटली हम यहाँ पे ऑप्शन के लिए कॉल बाय करके चल सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रह सकती है। अगर कल को गैप अप ओपनिंग होती है, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग होती है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ही कर देना है गैप अप ओपनिंग होते हैं, कल को ब्लेम करो कि तुमने बोला था, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं। अगर हमारा सेटअप बनता है, सेटअप बनता है तब हम शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढेंगे, बट चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, कॉल पुट बाय कर सकते हैं, सॉरी पुट बाय कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ओके, तो चलो इसको एक बार चार्ट पे तो देख लिया, अगर हम इसको डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले हम वही सपोर्ट जोन देखते हैं कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट जोन बन के आ रहा है खुद 35,000, यानी जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस वहाँ पे हमें ओपन इंटरेस्ट डेटा बिल्टअप होते हुए दिखाई भी दे रहा है, जहाँ पे आज की आज ऑलमोस्ट 16,000 डेटा वाज एडेड ऑन द पुट साइड। ओके, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने का काम करेगा, 35,000 का स्ट्राइक प्राइस, यानी 35,000 जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 34,800 पे भी इतना डेटा बिल्टअप नहीं है, ऑलमोस्ट 12,000 के अराउंड ही है। ठीक है, फिर उसके बाद है 34,500 पे, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा डेटा मुझे फिर लग रहा है, यानी 35,000 से सीधा 500 पॉइंट डाउन साइड में एक अच्छा डेटा हमें देखने को मिल रहा है डाउन साइड में। तो हमारे लिए सपोर्ट क्या क्या निकल गया, आ गए 34,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, 34,800 एक हल्का फुल्का, वैसे तो यहाँ पे ऐसी सपोर्ट है कि काफ़ी बार टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो 34,800 लेकिन अगर ब्रेक होता है तो सीधा 300 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, और रिसेंट में हमारे लिए 35,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। चलो हम एक बार रेजिस्टेंस यानी हमारा ऊपर की साइड में कहाँ कहाँ रुकावटें हैं उनको देख लेते हैं। तो सीधी रुकावट है 35,500 पे, 35,100 से ऊपर आज बंद हुआ है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो 35,500 पे यानी इससे सीधा 400 पॉइंट पे, 400 पॉइंट के लेवल पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आज ही ऑलमोस्ट 11,000 ओपन इंटरेस्ट डेटा वाज एडेड। ओके, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना। अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद सीधा 35,700 पे देखोगे तो आज ही यहाँ पे सिर्फ आज के आज 27,000 डेटा वाज एडेड, ओपन इंटरेस्ट वाज एडेड टुडे ओनली,
यानी 35,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि ब्रेक होना इतना आसान नहीं रहेगा फिलहाल इस वीक के लिए, ओके, यानी कल के लिए। तो नेक्स्ट वीक का हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ठीक है, जब नया डेटा हमारे पास आ जाएगा, बट कल के लिए 35,700 विल बी अ गुड रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ यानी यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर, ओके। फॉर एनी रीजन अगर मार्केट कल को ज़्यादा बुलिश रहती है तो 600 पॉइंट तक का हम एक मूव देखने को मिल सकता है, क्लियर। उसके बाद मैं कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को और शेयर जरूर किया करो। जो लोग स्टॉक मार्केट में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए स्पेशली एक ये पार्ट बनाता हूँ मैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बाद, जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं जॉब के साथ, तो उनके लिए मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो शेयर ज़रूर किया करो अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो वहीं पे बीपीसीएल की अगर मैं बात करता हूँ तो बीपीसीएल में हमें एक काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला, काफ़ी अच्छा करेक्शन, शार्प करेक्शन देखने को मिला हम कह सकते हैं। पहले मैंने इसको यहाँ पे भी सजेस्ट किया था एक बार कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था पिछली बार की बात है, और उसके बाद मैंने टारगेट जो दिया था यहाँ तक का टारगेट दिया था मैंने, वैसे इतना नहीं था, इतना ऊपर थोड़ा सा गया था ही, बट मेरा टारगेट 395 के अराउंड था, तो वो जो अचीव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज फिर एक करेक्शन के बाद मुझे आज फिर इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। स्ट्रेंथ क्यों दिख रही है, रीजन इज कि यहाँ से कुछ दिन देखोगे तो कंसोलिडेट हो रहा है, प्लस इसने डाउन साइड में दो बार सपोर्ट ली है, यानी डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद इसने आज वॉल्यूम की स्ट्रेंथ के साथ, वॉल्यूम देखो कितनी हाई है, और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ इसने अपसाइड मूव दिखाई है, तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं। बट इस बार में स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ, द रीज़न इज थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यानी 317, बाय हम 332 पे कर रहे हैं, लगभग हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मेरा टारगेट है वो इस बार 375 के अराउंड का है, यानी ये वाली ट्रेड हमारी 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगी मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ मैं, 1:2 से ज़्यादा बन रही है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन है डबल बॉटम बनाने के बाद इस बार फिर एक अच्छा मूव आने को मिल सकता है। तो 374 तक के टारगेट हम लेके चल सकते हैं यहाँ से, लगभग लगभग 40 पॉइंट ऊपर, सिर्फ 15 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पे बीपीसीएल के अंदर। उसके बाद मैं बात करता हूँ आईसीआईसी प्रूडेंशियल, जो मैंने पहले सजेस्ट किया था, दो स्टॉक्स हैं जो मैंने पहले सजेस्ट किए थे उनको आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट करने के साथ जिन्होंने पहले बाय किया हुआ है उनके लिए एक चीज़ और ये है कि आपको अपना स्टॉप लॉस अब यहाँ पे क्या कर लेना है, ट्रेल कर लेना है, यानी 536 पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो अपना स्टॉप लॉस 536 पे ट्रेल कर लो, ठीक है, और वही हमारा टारगेट रहेगा 1:2, बट इसके अकॉर्डिंग हमारा 1:4 का टारगेट बन जाएगा अगर कोई अभी बाय करना चाहता है तो, 1:4 के अराउंड हमारा टारगेट बन सकता है। ध्यान रखना ये पोजिशनल ट्रेड है, ये नहीं कि कल के कल ये आएंगे, बट ये पोजिशनल ट्रेड है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारा टारगेट, पोजिशनल यानी 3 महीने का व्यू बना के, बट हम अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस और इसको बाय करके चल सकते हैं। वहीं पे जो हमारा सेकेंड स्टॉक आ जाता है, वो जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो है हमारा रोलेक्स रिंग। अगर याद होगा मैंने ये रोलेक्स रिंग पता नहीं कितनी बार तो वैसे सजेस्ट किया है, मैंने यहाँ पे भी सजेस्ट किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला था बाय करो, यहाँ पे बोला था मैंने कि छोटा सा स्टॉप लॉस ही रखेंगे हम फिलहाल, ठीक है, अगर हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ स्टॉप लॉस रखा था, और वहाँ से लगभग लगभग अराउंड 25% का प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है, अगर किसी ने यहाँ बाय किया होगा। मैंने फिर अगेन सजेस्ट किया था यहाँ पे, जिस दिन यहाँ पे क्लोज हुआ था मैंने बोला था 50% बाय कर लो, ठीक है, और एक बार इसको रिटेस्ट होने दो फिर हम अगेन बाय करेंगे, ठीक है। तो ये रिटेस्ट अच्छी बात यह है कि वीक ही नहीं हुआ, वीक होने के बाद इवन एक नया ब्रेकआउट दे दिया,
तो अब अपने स्टॉप लॉस को दोबारा ट्रेल कर लेंगे। जिन्होंने पहले से बाय किया हुआ है वो अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल कर लो, और जो आज बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी एक कॉल है। पोजिशनल ट्रेड है, ध्यान रखना पोजिशनल ट्रेड है। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1444 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा काफ़ी मैंने बड़ा रखा हुआ है क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है। 1750 तक का टारगेट मैंने इसमें रखा हुआ है। मेरा मानना है कि 1750 तक के टारगेट आने वाले 3 महीने के अंदर आराम से इसमें मिल सकते हैं। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर भी अचीव हो जाए, बट हम व्यू 3 महीने का बना के चलेंगे। ठीक है, तो रोलेक्स रिंग बाय करके चलेंगे, ICICI प्रूडेंशियल बाय करके चलेंगे, जिन्होंने बाय कर रखा है वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, BPCL बाय करके चलेंगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और अगर जहाँ पे ओपनिंग हो रही है वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी कल को निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़रूर ढूंढेंगे। और आई होप आपको ये वाली वीडियोज़ बहुत हेल्प कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो स्टार्ट हो गया है आपके लिए, वो भी सिर्फ 1000 रुपीज़ के अंदर। महंगे महंगे कोर्सेज मैंने देखे हैं 20-30-40-50 हज़ार के, उनसे तो खैर मैं कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बट मेरा पर्पज़ है कि हम सब साथ मिल के चलें। पैसा कमाना इज़ अ सेकेंड थिंग, क्योंकि पैसा एक टूल है, पैसा सब कुछ नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में खुशी लोगों को साथ लेके चलने में जो है वो इतनी पैसे में नहीं है। ठीक है, पैसे में है ये मत बोल देना पैसे में खुशी नहीं है, पैसे में बहुत खुशी है बट पूरी खुशी पैसे में भी नहीं है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिमफ्रीन। जय हिंद।